गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी अभी सुबह हुआ है एंड टाइम है 7 AM। अभी मैं कल एक गलती किया, वो मैं बताता हूँ फिर से, कि मैं 2 बजे के बाद सो ही नहीं पाया ठंड की वजह से। इतना ठंड है यहाँ पे, और ये देखो अभी भी दिखा रहा है -1। रात को -1 तक चला गया था, अभी अपडेट नहीं हुआ होगा शायद। अभी थोड़ा सा वो गर्मी है, उतना ठंडा नहीं है। तो उतना ठंडा लगा कि मैं और एक किया गलती किया मैं, ऊपर साइड में तो उतना ठंड नहीं लगा, लेकिन मेरा ये जो ट्राउज़र है हाइकिंग वाला, बहुत ही पतला है, सिर्फ एक वाला ये, वो उसकी वजह से जो पैर पे पाँव पे मतलब उतना ठंड लगा कि अच्छे से नींद भी नहीं आया 2 बजे के बाद पूरा। एंड मैं उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूँ, अभी इतना ठंड लग रहा है, पूरा कप रहा था। उसके बाद सोचा क्या करूँ, तो मेरा बैकपैक पड़ा था, तो ये रहा मेरा बैकपैक, उसको मैं पैर में ऐसा कंबल की जैसा ऐसा लगा दिया, तब भी थोड़ा सा राहत मिल गया मुझे। तो ऐसा रात गुजरा है आज। एंड अभी बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं थोड़ा। तो ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा, काफ़ी एडवेंचरस कैंपिंग किया था हमने। ये रहा यहाँ पे मेरा टेंट, एंड वहाँ पे एंड कुछ ब्रो का एक स्कूल था। गुड मॉर्निंग ब्रो, हेलो। पैकिंग वैकिंग चल रहा है यहाँ पे, एंड देखो ऐसा पैकिंग करता है। एंड ऑलमोस्ट हो गया मेरा 10 पैकिंग बाकी है। एंड यहाँ पे कॉफ़ी भी मिल गया ऑफर सुबह सुबह, जो कि एक अंकल ने वहाँ से ऑफर किया है, अभी लेने आएगा तो देखते। एंड कुछ सोचना पड़ेगा यार ट्राउज़र के लिए, एक को लेना पड़ेगा, काफ़ी ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड लगा पैर में। एंड तो निकलते हैं कॉफ़ी पी के यहाँ से, एंड देखते आज कितना दूर जा पाते हैं, मतलब कितना ऊपर दार्जिलिंग की तरफ हो रहा रास्ता वही है। तो कॉफ़ी आ गया हमारा, थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रात में ठंडा नहीं लगा है, इतना नींद में सो रहा था मैं तो, बस ठंडा में इतना अच्छा से सो रहा है। हाँ ये तो बहुत खारा टेवी मर रहा था, मेरे को तेरे पराठे सुनाई दे रहे। नहीं मैं तो नहीं मर रहा था, तो पी लेते कॉफ़ी उसके बाद निकलते हैं। असम में क्या? हाँ मैं मतलब असम का हूँ और वो जम्मू का। क्या ऐसा घूमने के लिए आया? हाँ हम पूरा इंडिया घूम रहे हैं ना अभी, तो नॉर्थ ईस्ट पूरा घूम लिया हमने, अब सिक्किम जा रहे हैं। अभी दार्जिलिंग जाएगा? हाँ दार्जिलिंग से। हाँ दार्जिलिंग काफ़ी टेस्टी है कॉफ़ी, खड़ा खड़ा करके बना दिया ना ठंडा में। टॉयलेट बड़ा बोलो। क्या नाम है? ब्रूनो। ब्रूनो 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 उसका यूट्यूबर का एक उसका भी है। ओ ओके okay. तो पैकिंग कंप्लीट हो गया हमारा, एंड चलते खाना खाना है अभी होटल में ढूंढना है। एंड यहाँ पे एक भाई भी मिलने आ गया, आप यहाँ से हो ब्रो? हेलो, मैं यहाँ से लोकल। नाम क्या है आपका? मेरा सुशील छेत्री। सुशील छेत्री, तो हाँ बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यार। ठीक है ब्रो, मिलने आ गया यहाँ पे, पहले से देखता था ना, और जब बीवॉइस को मिला था ना। हाँ उस वक्त से मैं उस वक्त से अच्छा, थैंक यू फॉलो कर रहा था ना, अचानक आप आ गए यहाँ पर। इंस्टाग्राम पर भी कुछ नहीं था ना? हाँ कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं डाला था, बस ऐसे ही आ गया। और चलो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट पे, खाना खा लेते हैं पहले सुबह का। तो ये स्टेशन का पास का ये वाला होटल अभी सुबह सुबह चूज़ किया हमने, रॉयल किचन। तो यहाँ पे अभी चिकन सूप पियेंगे, एंड देखते हो राइस भी मिलते हैं शायद, यहाँ पे राइस भी खा लेंगे शायद, देखते हो। तो वेट कर रहे हैं अभी पहले, तो वेट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, एंड उसके साथ साथ रास्ते के भी नज़ारा ले रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा लोगों को देखना। और ये आ गया हमारा चिकन सूप गरम गरम। तो अभी क्या करने का है? अभी पीने का है, गरम गरम सब कुछ ठीक हो जाएगा इसको पीने का। एंड अंकुश ब्रो गया है मास्क खरीदने, क्योंकि चाहिए होगा हमें बहुत बहुत सारा, जल्दी ख़राब हो जाता है मास्क तो, और धोने का टाइम भी नहीं मिलता है। चलो मैं पी लेता हूँ पहले, वेट नहीं करता है। और यहाँ हमने फ्राइड राइस भी खा लिया। चले अभी हो गया,
चलो पे कर लेता हूँ अभी। हेलो हेलो, कितना हुआ हमारा? यार तुम YouTube में होने वाले ना बड़ी मुझे वो क्यों करेगा कोटी वो ये बोलता है ना, कितना हुआ को? 290 यालो आगे। ये क्या है, हुक्का भी मिलता है यहाँ पर? इसका कॉल अभी तक नहीं आया है। अच्छा तो यहाँ पे मैंने ले लिया लड़कियों वाला पजामा मजा कर रहा है, इनर पजामा ले लिया और ये ग्लव्स ले लिया, टोटल 300 जो कि शायद मैं बार्गेनिंग अच्छे से नहीं कर लेता इसलिए 300 पड़ गया। आगे भी है ना, ठीक है चले चलते हैं अभी। अभी अच्छा लग रहा है, पहले बहुत ठंड लग रहा था। वाह यहाँ पे देखो एक मोनेस्टरी भी है, बुद्धा जी का स्टैचू। ओ पूरा फोगी फोगी हो गया है, देखो मौसम पूरा फोगी फोगी हो गया एंड बहुत ठंडा है ये हवा। और चलते हैं अभी वॉकिंग कर करके थोड़ा सा ये टाउन से बाहर हो जाता है, उसके बाद हिचहाइकिंग करना है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। पटरी पटरी पे चलते हैं यार, पटरी पटरी चलो। ओहो चलो चलो कर रहे हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज। वाओ लाड मारो। भैया आगे जाना है हमें, कहाँ पर जाना है? हम दार्जिलिंग की तरफ जा रहे हैं। दार्जिलिंग के तरफ से तो आपको कैब मिलेगा भैया? नहीं आप लोग आगे नहीं जा रहे हैं, हम लोग का यहीं पे है ना, यहीं पे गाड़ी रखते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है। चैनल है क्या आपका? हाँ मेरा सोलो नोमेड YouTube पे मिलेगा। हाँ हाँ असम का, ठीक है थैंक यू। हम लोग तो यहाँ तक ही ओके ओके हाँ थैंक यू। लोग रोकने के लिए यहाँ पे ही बोल रहे हैं। रुक गया चला गया भैया। दार्जिलिंग जा रहे हो? कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। छोड़ दो भैया वहाँ तक आ जाए। थैंक यू भैया, चलो बढ़ो भैया। लिफ्ट मिल गया? मिल गया भाई, चलो डेढ़ घंटा के बाद। डेढ़ घंटा वेट करने के बाद मिला ये वाला लिफ्ट। भैया जी गाना बजा भाई। ले लिया नंबर तो यहाँ तक भैया ने लिफ्ट दिया था हमें, थैंक यू भैया जी। थैंक यू। एंड आपका नाम? रवीश कुमार रॉय। रवीश कुमार बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बैग भी रख दिया एंड अभी घूमने जाना है दार्जिलिंग पे टाउन पे, देखता हूँ क्या क्या देख बताए वहाँ पे, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं उसके बाद वापस आ जाना है यहीं पे। ये कौन सा जगह था? ये जिम गरा एंड वो लॉज है ना, वहाँ पे भी है देखो वो क्या है, चर्च लग रहा है वो। चलते हैं अभी यहाँ से घूम लेते हैं थोड़ा बहुत दार्जिलिंग टाउन। जिम खाना है यार, जिम खाना। तो चलो मैंने बोला था ना कोई तो लिफ्ट देगा हमें, यहाँ तक पूरा मिल गया फाइनली, कोई ना कोई दे दिया एंड हम भी पहुँच गया अभी, बहुत अच्छे से पहुँच गया। फिर चलो आप लोगों को भी थोड़ा फिर से दिखा देते हैं दार्जिलिंग टाउन। वैसे मौसम उतना अच्छा नहीं है वैसे, हो काफ़ी सुंदर है लेकिन दार्जिलिंग। धूप भी आया था, धूप फिर से चला गया, ऐसे ही होता रहता है यहाँ पे, आते चला जाता है आते चला जाते हैं। तो घूमते घूमते हम यहाँ मास्क खोल लेते हैं, घूमते घूमते यहाँ पे आ गया हम आई लव दार्जिलिंग पॉइंट पे। ये देखो ओ वो आई लव दार्जिलिंग एंड यहाँ पे उस तरफ है मॉल रोड, तो वही जाते हैं अभी फिलहाल। चलो चलो भाई आ जाओ इधर आ, क्या फोटो लेना है फिर? हाँ भैया फोटो क्लिक, बहुत सारा फोटो खिंचवाता है वो। अब देख पूरा आ रहा है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे बाइक चलाना नहीं देता है देखो, सब लोग ऐसा ले जा रहा है, इतना भीड़।
ओहो, तो मिल गया फाइनली साओ रास्ता, फिर से आ गया मैं यहाँ पे। आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखो आज का मौसम कुछ ऐसा है यहाँ पे। उड़ गया। तो घूमते घूमते अभी हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुका है। ये देखो आग भी है गरम गरम। लो कैमरे की तरफ देख मेरे। एंड चाय यहाँ पे 10 रुपए ना आंटी। चाय 10 रुपया। और कॉफी चाय 10 रुपया, कॉफी 20 रुपीज। उस तरफ देखो ना आंटी, एक समझ। एंड लेमन टी भी था। लेमन टी 15। ओ हम अभी कॉफी पी रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। जला दिया आंटी, मुंह जला दिया। इतना गर्म है आंटी, ठंड से लाल हो गया पूरा। साओ रास्ता घूम के अभी यहाँ पे घूमने आ गया हम मॉल मार्केट पे। ब्रो ये वाला टोपा मैंने यहाँ से लिया था। किसका टोपा? ये मैं जो पहन रहा हूँ ना, यहाँ से लिया था। मैं भी तुम्हारे तरह कर दिया पूरा। ये देखो सब कुछ मिलता है यहाँ पे, गरम कपड़ा, टोपा एंड ग्लोव्स और भी बहुत कुछ, शर्ट। क्या चाहिए? सही है क्या? मॉल रोड, मॉल मार्केट है ये। मॉल मार्केट? हाँ। तूने टोपा यही से लिया था ना? हाँ। ये देखो यहाँ पे है और भी चाहिए? नहीं। कितना कितना में मिलते हैं भैया अभी ये टोपा? ये सब हाउ मच? 150। ये भी? ओ पहले मैंने यहाँ से लिया था। तो घूमते घूमते अभी हम जहाँ पे आ गया गर्म पानी पीने के लिए। वैसे मोमो भी खा रहे हैं हम। टेस्ट करते हैं यहाँ का मोमो भी एंड गर्म पानी पी लेते हैं। हाँ मज़ा ही कुछ और है गर्म पानी पीने का ठंडा का मौसम पे। वैसे यहाँ पे जो दार्जिलिंग है मेन टाउन, थोड़ा सा गर्म है, जो कि वहाँ पे क्या नाम था, सोनाडा। सोनाडा और घूम से ज़्यादा गर्म है यहाँ पे। जो वहाँ पे सोनाडा एंड घूम पे ज़्यादा ठंडी है। तो किसने बोला गर्म? मेरे को ठंडा ही लगा यार। ठंडा ही है लेकिन वहाँ से कंपैरिजन में नहीं, पर हमें ठंडा लग रहा है। बहुत ठंडा लगता है, बहुत ठंडा लगता है। तो यहाँ से हम अभी निकलने ही वाले, बैग वैग लेके मोमो खा के सिक्किम के जोरथांग के तरफ। एंड वहाँ पे हैप्पी वैली टी स्टेट देख लूँगा शायद, रास्ता पे ही पड़ते हैं, देखता हूँ। तो पहले अभी खा लेता हूँ मोमोस। तो दोस्तों आ चुके अपने गर्मा गर्म मोमोस, और लास्ट टाइम हमने भाभी जी के घर पे खाए थे और तब से आदत पड़ चुकी है, अभी यहाँ पे खा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा है अभी। इसको डिबो के खाना है ना? डिबो के खाना है इसमें? ऐसे भी। अच्छा इसको पैर, चल ठीक है फिर भी अच्छा रहेगा। चटनी साइड पे रहेगा। वेज मोमो है ना? यो वेज मोमो है। क्या डाला है इसमें? स्क्वाच ना? स्क्वाच डाला। और ये रहा सूप, लाल लाल है सूप। और एक मिलेगा सूप को, और एक मिलेगा ये सूप लाल लाल क्यों है? बीट का सूप है ना, इसलिए लाल लाल है वो। बीट क्या होता है? सब्जी होता है एक, बीट का सूप है इसलिए लाल लाल है। तो अगर आप 10 लोगों को ये ऐप रेफर करोगे तो आपको मिलेगा 700 रुपीज का बोनस, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके डाउनलोड करो और प्ले करो और मेरी तरह अर्न करो और घूमो। बस हो गया। तो ये जो देखा था, तो भाई ने क्या किया था, स्पॉन्सरशिप वीडियो बना रहा था। अरे भाई स्पॉन्सर वीडियो बनाने का मेरा भी मन नहीं करता, ये छोटे मोटे आपको प्रमोशन करना, बट यार बड़े बड़े सुपरस्टार कर सकते हैं वो, पान बिमल पान मसाला। मेरा भी फर्ज बनता है, थोड़ी सी मेरी भी इससे कुछ कंडीशन बेटर हो जाए
और यार आप कभी मत खेलना है जाके, कुछ फायदा नहीं है, ओनली अपना टाइम वेस्ट होगा आपका, और मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अपने आप करना पड़ता है यार कभी कभी, समझा करो आप, इतने सारे घूमते हैं, पैसे की नौबत आ जाती है कभी कभी, बट ये आपको डिसाइड करना है कि आपने प्ले करना है या नहीं करना है। तो ये बात है रियलिटी में। वाओ ब्रो कैसा ले जा रहे है? आंटी ने ऊपर लेके गई थी, नहीं बता रही वो। हाँ नहीं बता। देखा आपने कैसा दो तो गैस ले जा रहा था एक ही आदमी ने। तो अभी हम दार्जिलिंग सिटी से निकल रहे, ये जू वाला रास्ता लेना है, अभी सिटी से नहीं जाएंगे यार, बाहर ही बाहर चला जाएंगे हम, और कितना घूमना है सिटी में हमें, उतना नहीं घूमना। तो चलो अभी नीचे की तरफ चलते, जोरथंग की तरफ। कैसा लगा ब्रो दार्जिलिंग घूम के? ऑसम। दार्जिलिंग या डार्लिंग? दार्जिलिंग है भाई। तो यही था दोस्तों जू, एंड अभी बंद पड़ा है कोविड की वजह से, ये सारा लेन जू का ही है, एंड इस रास्ते से हम हाईवे पकड़ सकते हैं, इसलिए अभी ये वाला रास्ता ले रहे हैं हम। और देखो दिख ही गया हाईवे भी। तो देखो ये वाला अभी हाईवे है, हमने पकड़ लिया हाईवे, एंड इस रास्ते से सिक्किम भी जा सकते हैं, जोरथांग वेस्ट सिक्किम। चलो अभी चलते आगे पे, टी स्टेट भी है हैप्पी वैली जो कि मैं पहले भी आया था, तो वहाँ चलते हैं। आज का आसपास का जगह ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए, टेंट लगाने के लिए। तो वहाँ पे भी बॉनफायर कर रहे हैं, यहाँ लोग रास्ते पे ही कर रहे हैं बॉनफायर, क्योंकि बहुत ठंड है, एंड हम हैप्पी वैली टी स्टेट भी पीछे ही छोड़ दिया क्योंकि मौसम बहुत ठंड है, सब फोगी फोगी है, दिखा के भी अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जा रहे हैं हम, अभी हम टेंजिंग रोक की तरफ जा रहे हैं, एंड वहाँ पे जगह ढूंढने जा रहे हैं रहने के लिए। और क्योंकि वो चाय वाले भैया ने बोला हमें, वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, वहाँ पे आपको टेंट लगाने की थोड़ी वो जगह मिल जाएगी, वहीं पे जा रहे हैं। वही तो, वो रॉक का नाम है टेंजिंग रॉक। अच्छा तूने इंग्लिश में बोल दिया। वो टेंजिंग नॉर्गे का नाम से रखा गया ना। मैक्सिमम यहाँ पे लॉकडाउन है यार, वो पीछे रोपवे है वो भी बंद है, रोपवे भी बंद है। और चलते हैं अभी जगह देखते हैं, यहाँ से 500 मीटर ऐसा होगा अभी, और टेंजिंग रॉक, एंड ये रोड का नाम है लेबोंगकार्ट रोड। तो चलते चलते पहुँच गया हम टेंजिंग रॉक पे, एंड ये पास में है गंबू रॉक, एंड इस रॉक का आसपास ही जगह ढूंढना होगा। ये जो रॉक है कहा जाता है कि यहाँ पे खुद टेंजिंग नॉर्गे ने प्रैक्टिस किया था, वो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत फेमस है टेंजिंग नॉर्गे। तो ये देखो कुछ ऐसा है रॉक, बहुत ही बड़ा है, कैमरा में तो उतना अच्छा नहीं दिखा होगा। ओ ये कुत्ता मुझे पीछे करते करते आ रहा है, काट ना ले यार कहीं। कुछ नहीं दोस्त, आई एम योर फ्रेंड। पीछा कर रहा है मेरा। तो ये देखो यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट, ये देखो रॉक, टेंजिंग रॉक HMI फ्रंट साइड से कहा जा रहा है। ऐसे ही थोड़ा सा ट्राई करता हूँ मैं भी, लेकिन ये तो चढ़ने का असली रूट नहीं है शायद, फिर भी जहाँ से व्यू भी आता पहले, अभी पता नहीं, अभी बहुत फॉग है यार। तो कैसे चढ़ता है, इस तरफ से तो नहीं चढ़ता है शायद। हो यहाँ पे कुछ वो भी लगा है, रस्सी वगैरह भी देता होगा। ओ लोग ऐसे भी आता है यहाँ पे, और ऊपर नहीं होगा। ये देखो यहाँ से व्यू, और तो कुछ जुगाड़ लेके ही ऊपर उठ सकेगा, और हाथ में कैमरा भी पकड़ा है। हाँ तो बोड़ो भैया ने मेरे को दे दिया है कैमरा, और बोड़ो भैया इसको हटाएगा अभी, जगह बनाना है टेंट के लिए, उठा पाऊंगा क्या? ओ वाओ मैन, इधर कहाँ रखेगा? यहाँ रख देता हूँ। हाँ आहिस्ता, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ना। हाँ काफी जगह है, दो टेंट आ जाएंगे तो बस आज के लिए तो हटाना है। हाँ तो पास में दो तीन घर हैं, उनसे हमने परमिशन भी ले ली है। मैंने सोचा क्या बता, रात को बेबड़े आते हो, मतलब हमें पकड़ के पीटे, ऐसा हुआ नहीं है हमारे साथ, बट पूछना रिस्पांसिबिलिटी है हमारी। उन्होंने बोला आप मज़े से यहाँ पे बैठ सकते हो, आपको कोई खतरा नहीं है, मतलब कुछ नहीं होगा आपको,
और तभी हमने ये जगह चुनी है। अभी लॉकडाउन के कारण शायद ये बंद है, ठीक है। अभी टेंट फिट करते हैं और इसके बाद हम बॉनफायर भी जलाएंगे। चलो लगाते हैं टेंट, चलो लगाते हैं टेंट और फिर मिलते हैं आपको। कहाँ से जाना है भैया जी? यहाँ से इस तरफ। वहाँ से ही मिलेगा ना लकड़ी? लकड़ी मिलेगा। तो अभी हमें लकड़ी लेने जाना है बॉनफायर के लिए, एंड हमें जाना पड़ेगा इस वाले रास्ते से। देखो वाओ, रात भी हो गया यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे उतना खास भी नहीं है लकड़ियाँ, बस ये छोटा छोटा वाला मिल रहा है। रात को दिखाई भी नहीं दिया होगा, बहुत कष्ट करके यहाँ पे लेने आया हूँ मैं इस वाला जंगल में। ओए गिर ना जाए, वो रहा ऊपर का। तो ले जाते हैं अभी, जितना हो चुके ले जाता हूँ मैं। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद हमने बॉनफायर किया है, मैंने बहुत दिनों के बाद आज, जो कि बहुत ही कम लकड़ियाँ मिला है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं थोड़ा टाइम के लिए। और उसके बाद खाना है एंड उसके बाद सो जाना है। बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।